Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall discuss nature of minor agreement, section 10 jo hai एक रिक्वायरमेंट इन्फोर्सिबिलिटी के लिए डिक्लेयर करती है कि पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. लेकिन जो है न तो सेक्शन 10 नहीं सेक्शन 11 ऐसा कोई प्रोविजन करती है कि माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या होगी. नेचर का मतलब है यदि माइनर ने एक एग्रीमेंट कर ही लिया है तो वो वाइडेबल होगा वैलिड होगा इलीगल होगा, क्या नेचर होगी उसके एग्रीमेंट की. हालांकि सेक्शन 10 जो है 11 जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजन करती है, यानी हु इज एबल टू इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है इसके बारे में सेक्शन 11 प्रोविजन करती है. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच इज सब्जेक्ट. जो लॉ उस पर अप्लाई होता है उसके अनुसार जो है मेजर हो यानी माइनर हो पहली कंडीशन. एंड इज आप साउंड माइंड का हो, है ना, साउंड माइंड का हो अनसाउंड माइंड का ना हो. थर्ड है एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट. जो लॉ उस पर अप्लाई होता है उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड न हो. यानी पर्सन जो है कौन कॉम्पिटेंट है कौन इनकॉम्पिटेंट है ये सेक्शन 11 में प्रोविजन किया गया है. यानी माइनर न हो मेजर हो, साउंड माइंड का हो अनसाउंड माइंड का न हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर डिस्क्वालिफाइड टू इंटर इनटू एग्रीमेंट. Persons disqualified by law, no, persons qualified by law हो, यानी किसी अधिनियम में एग्रीमेंट करने से कंटेक्ट करने से उसे रोका न गया हो. अब बात यह आती है कि who is minor. A minor is a person who has not attained the age of majority. जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है वो माइनर है. सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 प्रोवाइड्स द माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज. माइनर वो होता है जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है नहीं की है, और जिसने पूरी कर ली है वो मेजर हो गया है. तो कहने का मतलब ये है कि मेजर होना चाहिए, 18 साल की आयु पूरी कर चुका है वो. इंडिया में पहले कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत यदि माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर की शरीर के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट है तो माइनॉरिटी की एज मेजॉरिटी की एज 18 की जगह पर 21 हो जाती थी, लेकिन अब नहीं है. इंग्लैंड में तो पहले से नहीं थी. अब बात आती है कि नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट क्या है. 1903 के पहले तक न्यायालयों में कोर्ट में एक कंट्रोवर्सी थी. कुछ न्यायालय कुछ कोर्ट माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट को
वाई डिक्लेयर करते थे, कुछ वाइडेबल डिक्लेयर करते थे। लेकिन 1903 में मोहरी बीबी वर्षित धर्मोदास घोष के बाद में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय के बाद ये कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई और प्रिवी काउंसिल ने माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट को वाइड अप इनिशियो माना है, यानी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एग्रीमेंट से ही उसे वाइड माना है। मोहरी बीबी वर्षित धर्मोदास घोष बहुत लीडिंग केस है माइनर एग्रीमेंट पर। इस केस में जो है धर्मोदास एक माइनर था, 18 से 21 साल की एज का बीच का था। कलकत्ता के एक क्रेडिटर से ब्रह्मदत्त से उसने 10,500 रुपया एडवांस दिया था और मार्गेज डीड एग्जीक्यूट कर दी थी। हालांकि 20,000 में था लेकिन एडवांस इतना लिया था। जब मार्गेज डीड लिखा जा रहा था तो ब्रह्मदत्त के एजेंट को धर्मदास को ये पता लग गया था कि माइनर है। बाद में जो है फिर भी उन्होंने जो है वो लिखवा लिया, एग्जीक्यूट करा लिया मार्गेज डीड। बाद में अवेश की तरफ से माँ ने उसकी सूट फाइल किया कि मार्गेज डीड जो है रद्द कर दी जाए, रिपील कर दी जाए, क्योंकि जिस समय उसने लिखा मार्गेज डीड एग्जीक्यूट की उस समय वो माइनर था। ड्यूरिंग द सूट ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई, उसकी जगह पर उसकी वाइफ ने जो है उसकी वाइफ ने केस को जारी रखा। कोर्ट ने जो है इस केस में ये डिक्लेयर कर दिया कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट वाइड अब इनिशियो होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट ही वाइड होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग से ही वाइड होता है। हालांकि इसमें कई रिक्वेस्ट की गई थी कि पैसा वापस कर दिया, स्टॉपल का रूल अप्लाई कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने सुना कुछ नहीं। तो माइनर एग्रीमेंट के इफेक्ट क्या है? वाइड अब इनिशियो होता है, जैसा कि मोहरी बीबी के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट वाइड अब इनिशियो होता है। दूसरा है स्टॉपल का रूल जो है माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है। स्टॉपल का रूल विबंधन का नियम धारा 115 में एविडेंस एक्ट में है, वो भी अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यदि माइनर ने अपने को मेजर बता करके या है नहीं बताने दिया है या बताया है तो बाद में उसे स्टॉपल का रूल है कि वो इनकार करने नहीं दिया जाएगा। ये जो है मेजर के मामले में तो अप्लाई होगा लेकिन माइनर के मामले में अप्लाई नहीं होगा। जो कुछ भी स्टॉपल का रूल है, स्टॉपल का रूल उसके अगेंस्ट नहीं अप्लाई होगा। हाँ, स्टॉपल का रूल क्या कहता है कि व्हेन समवन मेक्स अनदर पर्सन टू बिलीव दैट ए पार्टिकुलर थिंग आर फैक्ट इज ट्रू देन लेटर ऑन ही कांट बी अलाउड टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है कि इसमें माना गया कि स्टॉपल का रूल माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता। मोहरी बीबी के केस में ही बात आई थी, क्योंकि उसने मेजर बताया है इसलिए उसको अब माइनर ने बताने दिया जाए, एक बार वो स्टेटमेंट दे चुका है। तीसरा था नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट आर इन टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड अब इनिशियो होता ही है, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले टॉर्ट के लिए भी वो लायबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले टॉर्ट के लिए भी अप्लाई लागू नहीं होगा। जैसे लेजली वर्सेस सील के केस में 1914 का था, एक माइनर ने लोन लिया था और अपने को मेजर बताया था लोन लेते समय।
ड्यू डेट जब आई रिकवरी की वापस करने की, तो उसने मना कर दिया और कहा कि जिस समय उसने लोन लिया था वो माइनर था, जिसने पैसा दिया था उसने सूट फाइल किया धोखे का, डिसीट का, है ना, ब्रीच ऑफ, नहीं सर, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का, कंट्रैक्ट के तहत, तो उसका एक्शन फेल हो गया, वो जीता नहीं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के लिए, जो माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट वाइड बेनिफिशियो होता है। उसके बाद उसने क्या किया, लॉ ऑफ टार्ट में डिसीट या फ्रॉड का मुकदमा किया। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर बी कुड नॉट रिकवर द डैमेजेस, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ए माइनर कांट बी मेड लायबल टू रिपे द अमाउंट ऑफ लोन इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। तो कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले टार्ट के लिए भी वो लायबल नहीं होता है। Thus, a minor can't be made liable for breach of contract by changing the form of action. However, if the wrongful act of minor is a dependent, independent of the contract, then the minor is liable for the damages in tort. Contract से independent है tort, उसके लिए वो liable ठहराया जा सकता है। In Bernard versus Haggis, 1863 के केस में एक माइनर ने एक घोड़ी किराए पर ली थी राइडिंग के लिए। उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि नॉट टू जंप आर लार्क विद द मेयर, घोड़ी उसको कुदवाए नहीं। ए लेफ्ट द मेयर टू हिज फ्रेंड सी, ए ने वो अपने वो घोड़ी जो है अपने दोस्त सी को दे दी। Who killed the mare by making it to jump, जिन्होंने जंप करा जिससे वो डेथ हो गई घोड़ी की। We brought an action him against him A for the damages in tort. A was held liable to pay damages here A's wrongful act of unauthorized lending the mare to a friend in independent of the contract. इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट माना गया और उसको लायबल ठहराया गया। इस तो जो है नेचर ये है, माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट वाइड अब एनिशियो होता है, किसी भी कोर्ट में जो है उसे लायबल नहीं ठहर सकता। माइनर पार्टनर हो सकता है, पार्टनर पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। सेक्शन 30 की सब सेक्शन 1 में है कि वो फॉर बेनिफिट ऑफ द फर्म, फर्म में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन मेजर होने पर यदि चाहे तो फर्म से निकल भी सकता है। एजेंट में एजेंसी के रूप में दिया हुआ है, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर एज एक्ट एज एन एजेंट। 184 दिया हुआ है, माइनर कैन बी अपॉइंटेड, माइनर जो है अपॉइंट हो सकता है एजेंट। माइनर एज इंसॉल्वेंट, माइनर को कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता एंड माइनर कैन एग्जीक्यूट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट, इस लेक्चर में हमको यही डिस्कस करना है, बताना है कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट वाइड अब एनिशियो होता है। थैंक यू वेरी मच।